फ्रेंड्स, डीएम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे, आपने उन्हें देखा होगा, लाइक किया होगा और कमेंट भी किया होगा। और अभी तक आपने ये सब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए, अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट खोलकर भी हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको एक सब्जेक्ट के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। आप उनसे अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल से संबंधित कोई भी लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित पीडीएफ और लिंक मिल जाएगी। और यदि आप हमसे कोई पाठ्य योजना चाहते हैं किसी भी प्रकरण को लेकर तो आप हमें हमारे एफवी पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमें लेसन की डिटेल बताइए। यदि हो सकता है, पॉसिबल है और आपके पास बुक है तो हमें लेसन की पिक भेजिए, हम जल्द से जल्द उसका लेसन प्लान बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। यदि आप के स्टेट में स्टेट वाइज कोई पर्टिकुलर बुक चलती है तो प्लीज़ उसके बारे में डिटेल ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें जब कोई प्रकरण हम ढूंढते हैं तो हमें मिलने में आसानी से नहीं मिल पाता है। तो यदि हमें आपका स्टेट पता होगा तो हमें वो जल्द मिलेगा, हम जल्द से जल्द उसका वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत सारी बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि है 513.6 मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी। इससे रिलेटेड हमने एसबीए डब्ल्यूबीए में पिछली बार थोड़ा थोड़ा वर्क किया था, और डब्ल्यूबीए में हमने थोड़ा सा मूल्यांकन के बारे में पहले भी लिखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा और लिखेंगे, थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे। ये हमारे 513.6 यानी कि हमारे 513 जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका लास्ट पार्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी। सबसे पहले हमें बताना है मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी के बारे में, कि किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, किस किस विधियों द्वारा किया जाता है, शिक्षक किस तरीके से करते हैं, स्कूल की क्या भूमिका होती है, आपकी क्या भूमिका है, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हमें ये इस पे भी लिखना है, जैसे सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हम धीरे धीरे क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ऐसे करके रोज भी कुछ ना कुछ हम, या हम जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो हम तुरंत पढ़ा के भी बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, पाठ्य खत्म होने पर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो ये हमारा सारा सतत मूल्यांकन चलते चल रहा है। फिर व्यापक मूल्यांकन यानी हमने सारा पढ़ा दिया है, उसके बाद हम सत्र के अंत में उनका इकट्ठे एक बार में मूल्यांकन कर रहे हैं परीक्षा के द्वारा। इस तरीके से ये होता है, मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया है, बाकी आपको ये थ्योरिकल लिखना है। वैसे तो आप सतत और व्यापक नाम से ही समझते हैं, सतत मतलब निरंतर चलने वाली और व्यापक मतलब बहुत विस्तार से होने वाली। फिर हमको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य लिखना है, कि इस सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। आजकल इसी पैटर्न पर सीबीएसई स्कूल सारे इसी पैटर्न पर सारा अपना मूल्यांकन करते हैं। फिर प्रपत्र और आवृत्ति द्वारा हम शिक्षक डायरी, छात्र प्रोफाइल, छात्र संचय प्रपत्र, इस तरीके से हम उनका मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखते हैं, ये सब यहाँ हमने लिखा हुआ है। फिर इकाई परीक्षण, उसके बारे में हमने लिखा है। आपने यदि पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है और आपको याद है तो ये सब आपको जाना पहचाना ही लगेगा, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हैं, आपके लिए नया कुछ भी नहीं है। तरीके से हमको सारणी बनानी है, क्रियाकलाप, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ाने के, जैसे कि हमने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ये हम उनको क्रियाकलाप द्वारा बता के उनसे कर सकते हैं। जैसे औरंगजेब की शासन नीति के कारण भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इस कथन के समर्थन में या असहमति में अपने विचार लिखिए। इस तरीके से हम उनके व्यूज का, कि वो क्या सोचते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट का एग्जांपल है, आप मैथ्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप साइंस का एग्जांपल जिसे हमने लिया हुआ है,
आप और भी हिंदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, अपने यहाँ दो सब्जेक्ट के लिखे हुए। फिर सो आकलन, यानी जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने उसको पढ़कर क्या सीखा। जब बच्चों का उत्तर आता है तो ये दोनों का आकलन हुआ। हम भी अपना आकलन करते हैं कि हमारे द्वारा बच्चों को हमने जो समझाया वो उसे समझ में आया या नहीं, और बच्चे स्वयं भी आकलन कर रहे हैं अपना कि मैडम ने जो हमें समझाया वो हमसे बन रहा है कि नहीं। तो ये हो गया स्व आकलन, ये मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखे देख कर। फिर गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक की छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण करना। फिर इस तरीके से भी हम स्व आकलन की तालिका बना सकते हैं। छात्र कक्षा विषय हिंदी कविता, पद छात्र और शिक्षक कविता, पढ़ना इस तरीके से जो छात्र की क्रिया होगी वो हमने यहाँ लिख दी है, जो शिक्षक द्वारा है वो यहाँ पे इस तरीके से एक तालिका बनाई हुई है हमने। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं प्रबंध, ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे और प्रबंध कैसे, उस पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्प लागत की सामग्री, यानी कि हमको ज़्यादा महंगे उपकरण इस्तेमाल नहीं करना है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको अल्प लागत वाली सामग्री का इस्तेमाल करना है। एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करना है जो एक से अधिक विषय में प्रयोग की जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री सरल एवं बोधगम होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा कठिन सा बना लिया है, ना हम ठीक से समझ पा रहे हैं ना हम बच्चों को ठीक से समझा पा रहे हैं। सरल होना चाहिए, जैसे चार्ट, पोस्टर, मॉडल, प्रकृति प्रदत्त वस्तु। जैसे हमें पेड़ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में बताना है तो हमने पौधा ही ले लिया, पेड़ को जाके दिखा दिया। हम तालाब के बारे में समझा रहे हैं, हम भ्रमण पे ले गए, इस तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए, बस यही एक योगदान रहेगा आपका हमारे प्रति कि आप हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर करें।